देख रहे हो, मैं हूं ब्रह्मानंदम, ब्रह्म अधिक आनंदम। अरे साला, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ये चकमा दे रहा था सूरमा भोपाली। किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किरण जानी, हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हारा नहीं, जो कभी मौत से डरा नहीं। अरे खंबा उखाड़ के घूसा लगा के पलटा दो, पलटा दो। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, मुझे बचा लो। ये मैं कहाँ आ गया? मित्रों, आज इस देश में हर एक को काला धन इस देश के चरणों में समर्पित करना अनिवार्य है। इस काले धन से हम छुटकारा पाएंगे तो ही हमारे देश का उद्धार होगा। मित्रों, इसीलिए मैंने डीमोनेटाइजेशन का पर्याय रखा। नमस्कार, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, अमिताभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कट्टर देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण फैमिली से मैं हूं, तो घर में बड़ा ही धार्मिक और स्ट्रिक्ट वातावरण रहा है, कड़ा अनुशासन। हमारे माता पिताजी की सीख हमेशा रही है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बड़ों की आज्ञा का पालन करना हमेशा, बिना कोई सवाल पूछे। क्यों, किस लिए, ऐसा किसने किया, ऐसा किसने कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं, कोई सवाल नहीं पूछना, बस जो कहा गया है वो कर। हमारे पेरेंट्स ने हमारा एक टाइम टेबल बना दिया था, शेड्यूल, सुबह से लेकर रात तक। सो बचपन से ही सुबह 4-4:30 बजे उठना, उठते ही पढ़ाई, पढ़ाई माने रीडिंग, क्योंकि उनका मानना था लवकर नीजे लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ति लाभे। जल्दी उठना और जल्दी सो जाना, जो जल्दी उठता है जल्दी सो जाता है उसे ज्ञान संपत्ति प्राप्त होती है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो सुबह 4:30 बजे उठो, 4-4:30 बजे, और रीडिंग के लिए बैठ जाओ। अब बच्चे थे, पढ़ाई के लिए बैठते थे तो नींद आ जाती थी, तो पढ़ते पढ़ते झपकियां मार लेते थे। तो पिताजी ने दिमाग लड़ाया, बैल्कनी के दरवाजे के पीछे नीचे हम लोगों को बिठाया। तो जैसे ही हम लोग किताब लेके बैल्कनी के दरवाजे के नीचे बैठते थे, वो हमारे सर पे यहाँ बालों को एक धागा बांध देते थे, और वो धागे की दूसरा छोर ऊपर बैल्कनी के दरवाजे के हैंडल को लगा देते थे, ये पूरा स्ट्रेच ऐसा। तो जैसे ही पढ़ते पढ़ते अगर झपकी आ जाए तो बाल खिंच जाते थे पूरी तरह से, ऐसे एक दो बार झपकी खा लेते थे तो नींद पूरी उड़ जाती थी। तो वो धागा भी सोचता होगा, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। तो उस तरह से 4-4:30 बजे उठकर पढ़ाई, फोकस, सुबह सुबह जो पढ़ाई करते हैं उनका फोकस बहुत अच्छा रहता है, उन्हें जो सुबह सुबह पढ़ते हैं वो काफी देर तक याद रहता है। उसके बाद कसरत, 6-6:15 बजे के करीब एक आधे घंटे के लिए कम से कम, पुशअप्स, उठक बैठक, दंड, सूर्य नमस्कार और योगा, बहुत जरूरी है। योगा से तन और मन दोनों की शुद्धि होती है, दोनों बैलेंस होता है, ऐसा मेरे पेरेंट्स का मानना था। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ, उसके बाद नाश्ता करके स्कूल कॉलेज जो भी है, शाम को स्कूल से आने के बाद कॉलेज से आने के बाद आरएसएस की शाखा, मेरे पिताजी आज भी आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना, वहां फिर से एक्सरसाइज कसरत, 100-200 दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, पुशअप्स रोज, मैदानी खेल, गुरु शिष्य, खो खो, कबड्डी। तो वहां जो मैंने कबड्डी सीखी है, तो बाद में जब मैं स्कूल में था तो कबड्डी में स्टेट लेवल चैंपियन भी बना था, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास भी है। तो वो कबड्डी की नींव, वो कबड्डी जो मैंने सीखी थी वो आरएसएस के शाखा में ही सीखी थी, और बाद में वहाँ पर मैंने जो योगा वगैरह भी किए थे, तो वो योगाभ्यास जो मैंने बचपन में सीखा था वो आज भी मेरे काम आता है, मैं आज भी योगा करता हूँ।
तो शाखा से आने के बाद शाम को 7 बजे से पहले शाम को घर के अंदर होना है, जरूरी है। 7 बजे के ऊपर 1 मिनट भी नहीं। अगर थोड़ी भी देर हो जाती थी तो मेरी माँ की आवाज पूरी कॉलोनी में गूंजती थी, विनोद चिल्लाती थी। तो एक कोने में हमारा घर था, वहां से पूरी कॉलोनी के दूसरे छोर तक सुनाई देता था। लोग बोलते थे, भाग भाग तेरी माँ चिल्ला रही है। तो 7 बजे से पहले घर के अंदर आ जाओ, फिर भगवान का स्तोत्र पठन शुभंकर होती, शाम संध्या बड़ों के पैर छूना, और रोज छूना है बड़ों के पैर, आशीर्वाद लेना है। बाद में 12 खड़ी, अल्फाबेट्स बोलो, टेबल्स बोलो, पाढ़े 1 से 30 तक हर रोज बोलने हैं। बाद में पाव की, निम की, पाउण की, दीड़ की, अड़िच की, दैट मीन्स 1/4 का टेबल, 1/2 का टेबल, 3/4 का टेबल, 1/2 का टेबल, 2/2 का टेबल, ये सब हमारे ज़माने में हुआ करते थे। और ये ज़रूरी था कि हम हर रोज़ ये टेबल्स बोले, बाय हार्ट करें, रटे। ऑफकोर्स उसका फ़ायदा बाद में हुआ, हमारी पढ़ाई में, हमारे आगे के जीवन में हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये सारे टेबल्स हम लोगों को बाय हार्ट थे, तो हम काफ़ी कैलकुलेशंस बहुत जल्दी जल्दी किया कर सकते थे। ये सब टेबल्स होने के बाद स्तोत्र पठन जो भी है, राम रक्षा, प्रणम में शिरसा देवम, गौरी पुत्रम विनायकम, गणपति स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र, शनि महिमा स्तोत्र, तो ये सारे स्तोत्र बोलो जिससे संस्कृत अच्छी हो जाए। इसका भी मुझे बाद में ऐसे फ़ायदा हुआ कि स्कूल में मेरा संस्कृत भी अच्छा हुआ, स्कूल में मैंने संस्कृत लिया था, तो बचपन से ही मेरे पिताजी ने जो ये संस्कृत मंत्र पठन का हम लोगों को जो ये योगदान दिया था, उन्होंने हम लोगों को ये सिखाया था, तो वो सीख हमें हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, और आज जिस फील्ड में मैं हूँ एज एन एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट, इसमें संस्कृत बड़ा काम आ रहा है, क्योंकि संस्कृत ये सारी भाषाओं की जननी मानी गई है, बेसिक लैंग्वेज। संस्कृत के ऊपर ही बहुत सारी लैंग्वेजेस आधारित हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं 45 लैंग्वेजेस में आज तक डबिंग कर चुका हूँ, 45 भाषाओं में आज तक डबिंग कर चुका हूँ, तो ये सारी भाषाएं बोलने के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरी संस्कृत बड़ी अच्छी थी। तो संस्कृत बोलने से आपका जो डिक्शन है वो भी साफ हो जाता है, शुद्ध स्वच्छ स्पष्ट भाषा हो जाती है, उच्चारण बहुत शुद्ध स्वच्छ स्पष्ट हो जाता है, आपकी जीभ जबान साफ हो जाती है, और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। जैसे कि कोई भी मंत्र है तो उस मंत्र से आपको आरोह अवरोह समझ में आते हैं, अकारांत शब्द, उकारांत शब्द, इकारांत शब्द समझ में आते हैं, दंत्य, तालव्य, औष्ठ्य, ये सब समझ में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, पर ये सारी चीज़ें किसी एक्टर को, किसी वॉइस आर्टिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके करियर में बहुत काम आती हैं। जैसे कि दंत्य, तालव्य, औष्ठ्य क्या होता है, जो शब्द हम दांतों को टच करके, जिह्वा को, जबान को, दांतों को टच करके बोलते हैं, दंत्य, द, दांत, दांत, त, द भी और त भी, दोनों दांतों को टच करके हम लोग बोल रहे हैं, तो ये हुए दंत्य शब्द। तालव्य, ताल, ल, ल, ये तालु जो है यहाँ ऊपर, वहां पर जबान हमारी लग जाती है जब, और शब्द निकलता है तालव्य, तो वो हुआ तालव्य शब्द। और औष्ठ्य मतलब होंठ से जो शब्द हम बोलते हैं, होठों का, होंठ, औष्ठ्य, तो ओ, ये होठों का उपयोग हो रहा है, तो ये हुए औष्ठ्य शब्द। वैसे ही अकारांत, उकारांत, एकारांत, चंदा, चंदा, च, एक ही शब्द है, अकारांत, अ है, च प्लस अ इज इक्वल टू च, उसको अगर चांद कर दे हम लोग तो ये हुआ आकारांत शब्द, चांद। वैसे ही चुटकी, चुटकी एक छोटी ऊ की मात्रा है इसमें, तो चुटकी, तो ये उकारांत शब्द। चूड़िया, चू दूसरी मात्रा है, तो चूड़िया, ये हुआ उकारांत शब्द, उकारांत। तो ये सारे बहुत मायने रखते हैं कि किसी भी चीज को कौन सी मात्रा, लघु गुरु की मात्रा कहां पर लगती है, कैसे बोलना है। तो ये एजुकेशन हम लोगों का बचपन में ही हो गया था, हमारे पिताजी ने, हमारी माता जी ने हमें सिखाया था, बाद में यही संस्कृत मैंने जब स्कूल में लिया तब काम आया था, और ये आगे चलकर मेरे एक्टिंग और मेरे डबिंग की फील्ड में मुझे बहुत काम आया। ये शाम की पूजा पाठ के बाद ये जो स्तोत्र पठन होते थे, तो उसके बाद फिर पढ़ाई, होमवर्क, वो 1-9 बजे तक करना, उसके बाद रात का खाना, उसके बाद फिर बची हुई पढ़ाई या फिर सेल्फ स्टडी, और उसके बाद रात को 10-10:30 बजे
किसी भी हालत में चुपचाप सो जाना। फिर दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे वो धागा लगा कर पढ़ाई। हमारे घर में 12th स्टैंडर्ड तक टीवी नहीं था। कॉलोनी में एक दो लोगों के घर में टीवी थे तो उनके पास हम लोग हट करते थे टीवी देखने जाने के लिए, तो सिर्फ कुछ गिने चुने कार्यक्रमों को ही हमें अलाउ किया जाता था, जैसे कि बच्चों के लिए किलबिल, मैजिक लैम्प, बाद में चित्रगीत, मराठी गीतों का कार्यक्रम, छाया गीत, साप्ताहिकी और मराठी और हिंदी फिल्में, वो भी बच्चों के देखने लायक है या नहीं ये पिताजी पहले उनके दोस्तों से पूछताछ करके कन्फर्म कर लेते थे और तभी हमको जाने दिखाने की और या लोगों के पास देखने जाने की परमिशन देते थे। फिल्म में आइटम सॉन्ग तो उस जमाने में नहीं था, नहीं कह सकते, पर कैबरे अगर है बच्चे नहीं देख सकते, तो हेलन जी की कोई भी फिल्म हमें मनाती बचपन में देखने के लिए, जिसमें बहुत प्यार वगैरह है तो रोमांस है, ऐसी फिल्में देखना मना था। देशभक्ति के ऊपर फिल्में हैं जरूर देखो, कोई बच्चों की फिल्में हैं, बच्चों ने काम किया है, इमोशनल फिल्में हैं, रिलेशंस हैं, अच्छे वैल्यूज हैं लाइफ के, जरूर देखो। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों के कॉलेज जाने तक हम दोनों को जीन्स पहनने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो फिरंगियों का, फॉरेन का कल्चर है। बाल हमेशा छोटे छोटे कटाने हैं, वो भी मशीन मारकर, क्योंकि लंबे बाल रखना हिप्पियों का कल्चर है, फिल्मी लोगों का कल्चर है, जो बिल्कुल पसंद नहीं था। हम लोग, मैं और मेरा छोटा भाई, कभी कभी वो हमारे नाई चाचा को बोल देते थे कि इस बार बाल रख देना छोटे से, बताना मत पिताजी को। वो हाँ हाँ बोलता तो था लेकिन मशीन मार देता था, मशीन मार के बाल फिर से वही छोटे छोटे। हम पूछते थे क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं यार हम हमारे कॉलेज में हमारे स्कूल में ऐसा नहीं चल रहा है, वो स्टाइल है, लोग बढ़ा रहे हैं, बच्चे बढ़ा रहे हैं। बोलता था मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पिताजी ने पहले से ही वार्निंग देके रखी है, बच्चे अकेले भी आए तो भी मशीन मार देना, बाल छोटे ही रखना। अनुशासन तो इतना कड़ा था कि कोई भी भूल चूक गलती हुई तो पहली बार माफी, दूसरी बार से कड़ी सजा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जैसे एक बार का खाना नहीं मिलेगा, रात भर घर के बाहर बाथरूम या टॉयलेट में घंटों बंद, बड़ों से आर्ग्यूमेंट की तो तगड़ी मार, छड़ी लगे छमछम, विद्या आ जाए घम घम, इसमें यकीन था मेरे पिताजी का। झूठ से सख्त नफरत थी उन्हें और निडर सच्चाई के भोगते थे वो। इस बात पर हमें हमेशा वो एक कहानी सुनाते थे बाल गंगाधर तिलक जी की। वो कहते थे कि जब बाल गंगाधर जी तिलक स्कूल में थे तो किसी ने मूंगफलियां खाकर छिलके नीचे डाल दिए थे जमीन पर। जब टीचर आए तो उस जमाने में तो छड़ी लेकर ही आते थे, तो उन्होंने देखा छिलके जमीन पर गिरे हुए हैं मूंगफली के। उन्होंने पूछा, बोलो किसने खाया, किसने खाई मूंगफली, किसने छिलके छोड़े, तुम। तो बाल गंगाधर तिलक जी के यहाँ पर वो छिलके पड़े थे तो उनको लगा उन्होंने खाए हैं, तो उन्होंने उनको बोला, खड़े रहो बाल, खड़े रहो, यहाँ आओ, हाथ आगे करो, छड़ी की मार खाओ, तुमने छिलके खाए हैं, ये तुमने मूंगफलियां खाई है, वो छिलके तुमने छोड़े हैं। बाल गंगाधर जी तिलक ने हाथ आगे नहीं किया, उन्होंने कहा, नहीं, मैंने मूंगफलियां नहीं खाई, मैंने छिलके नहीं फेंके, मैं मार नहीं खाऊ। तो इस तरह की निडर सच्चाई मेरे पिताजी को, मेरी माता जी को बहुत भाती थी और वो चाहते थे कि हम लोग भी ऐसे ही बने, कभी झूठ का सहारा ना लें, जो भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलें लोगों से। आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, किसी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल मत करो, जो भी है जैसे भी है ऑनेस्टी से, प्रामाणिकता से आप हासिल करो। पर जरूरत पड़ने पर सख्ती बरतने वाले हमारे माँ बाप समय आने पर नरम भी पड़ जाते थे, हमें जब पनिशमेंट देते थे तो खुद भी लेते थे, हमें जब रात का खाना नहीं देते थे तो खुद भी खाना नहीं खाते थे, हमारी तकलीफ देखकर उनकी आंखें भर आती, चुपचाप रोते एक कोने में, पर संस्कार के बड़े आग्रही थे। एक बार हमारे कॉलोनी में एक फड़के चाचा थे तो उनके छत से मैंने एक गुलाब का फूल चुराया था और घर पे ले आया था, मुझे लगा शाबाशी मिलेगी, मैं घर के मंदिर के लिए, घर के भगवान के लिए फूल ले आया हूँ, तो बड़े गर्व से मैंने कहा कि देखो देखो पिताजी मैं ये फूल ले आया हूँ हमारे घर के भगवान के लिए। सबसे पहले पिताजी ने शक से देखा और पूछा, कहाँ से ले आए, उनको तो पता था पूरी कॉलोनी में कहीं पर भी ऐसे रास्ते पर तो झाड़ नहीं है, कहीं पर भी पेड़ नहीं है गुलाब के, तो ये फूल लाया कहाँ से ये बच्चा। मैं भी डर गया, मैंने कहा यार ये सवाल तो
मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैंने कह दिया हाँ वो फड़के चाचा की टेरेस से लेके आया हूँ। उनको पूछा तुमने? मैं फूल लूँ क्या, परमिशन ली उनकी? फिर से डर गया, मेरा बाप रे, ये भी मैंने सोचा नहीं था, मैं तो शाबाशी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कहा हाँ हाँ मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा जाओ ले लो। फिर पिताजी ने पूछा किससे पूछा था, किसने परमिशन? फिर से मैं डर गया, मैंने कहा यार एक झूठ बोलना, जब बोलने जाऊं तो दूसरा बोलना पड़ रहा है, दूसरा बोलने जाऊं तीसरा बोलना पड़ रहा है, और पकड़े जा रहा हूं, कोई पकड़ा ना जाऊं। तो मैंने फिर फेंक दिया हड़बड़ाहट में कि पता नहीं कौन था, पर कोई तो था, वो देखा नहीं मैंने, बस आवाज सुनी मैंने, बस वो मुझे किसी की शाडो दिखाई दी, मैंने पूछा फूल ले लूं ऊपर से, तो उन्होंने कह दिया हाँ ले लो। पिताजी ने वैसे ही मेरी कान मेरा कान पकड़ा, कान खींचते हुए फड़के चाचा के पास लेके गए, और उनकी आंखों से पानी आया, हाथ जोड़ के बोले फड़के चाचा माफ कर दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने आपके छत से, आपके घर की छत से ये गुलाब का फूल चुराया है, तो आप मेरे बेटे को जो चाहे वो सजा दे सकते। मुझसे माफी मंगवाई, फड़के चाचा ने उन्हें माफ तो किया, मुझे माफ तो किया, पर मेरे पिताजी ने उस पूरी रात मुझसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि झूठ बोल के कोई भी काम मत करो बेटा। फड़के काका ने उसके बाद मुझे वो फूल तो दे दिया, पर उन्होंने कहा कि झूठ बोल के क्यों करना, कोई भी काम मत करना, वो कभी राज नहीं आता। वो पिताजी की सीख जब से मुझे मिली है तब से आज तक मैंने जिंदगी का वो एक उसूल बना लिया, एक आदर्श बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरा एक किस्सा है, मैंने काफी हट किया था एक बार जब छोटा था कि मुझे कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता था, पर हमारे पास काफ़ी कॉमिक्स नहीं थे और उतने पैसे भी नहीं थे कि हर बार हम कॉमिक्स पढ़ सकें। तो एक बार मैंने हट किया कि भाई इस बार परीक्षा में मुझे, एग्जाम्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं पिताजी, तो प्लीज़ मुझे कॉमिक्स लाना है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं नया कॉमिक्स आया है बाज़ार में तो वो लाना चाहता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने एक बार मुझे पैसे दे दिए, 2 रुपये की कॉमिक्स आती थी नहीं, तो 2 रुपये दे दिए, कहा कि जाओ लेकर आओ। तो वो लाने के लिए मैं गया और मैं लालच में आ गया, वहाँ मैंने रास्ते पर कुछ पुराने कॉमिक्स पड़े हुए देखे, तो काफ़ी अलग अलग तरह की कॉमिक्स थी। तो मैंने कहा यार 2 रुपये में एक नई कॉमिक्स लेने के बजाय मैं अगर ये 2-3 कॉमिक्स खरीदूँ तो एक तो पिताजी खुश हो जाएंगे, शाबाशी देंगे, और मुझे भी एक की जगह 3-3 कॉमिक्स पढ़ने को मिलेंगी। तो मैंने वो जो सेकेंड हैंड कॉमिक्स थे वो खरीद लिए और घर पर आ गया। मैंने कहा पिताजी ये देखिए कितना बड़ा काम किया, 2 रुपये में एक कॉमिक्स लाने के बजाय मैं 3-3 डुप्लीकेट सेकंड हैंड कॉमिक्स लेकर आया। पिताजी ने एक जर्दी काट के नीचे बोले मैंने तुझे नई चीज लाने के लिए 2 रुपये दिए थे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कोई भी सेकंड हैंड चीजें खरीदे, कोई भी डुप्लीकेट चीजें खरीदे, पुरानी चीजें खरीदे, भले हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हम भले ही रईस नहीं है, लेकिन जो कुछ हम लोग करेंगे मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को नई चीज मिले, तो तू ये 2 रुपये में ये वापस करके आ, ये जो पुरानी कॉमिक्स है सेकंड हैंड कॉमिक्स से वापस करके आ, उससे पैसे ले और वो तू 2 रुपये में वो नई कॉमिक्स खरीद के ला। मैं गया डरते डरते उस कॉमिक्स वाले के पास, बोला भाई वापस ले ले और पैसे वापस दे। उसने बोला नहीं दूंगा। तो मैं परेशान, क्या करूं अभी, मैं ये पैसे देने को वापस देने को तैयार नहीं है, कॉमिक्स वापस लेने को तैयार नहीं है। तो फिर मैं घर गया और पिताजी को बिना कुछ बताए चुपचाप मैंने 2 रुपये चुराए उनकी जेब से, और फिर वो मैं गया नए कॉमिक्स वाले के पास और 2 रुपये की नई कॉमिक्स लेकर मैं आ गया और पिताजी को बताया कि देखो मैं कॉमिक्स लेकर आया। मेरे दुर्भाग्य से पिताजी को पता चल गया था कि उनकी जेब से मैंने 2 रुपये चुराए थे, तो पहले तो मुझे तगड़ी मार पड़ी, पर बाद में उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, खुद भी रो पड़े। उन्होंने कहा बेटा कभी चोरी मत करना, मुझे अगर तुम कह देते कि वो कॉमिक्स वाला मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा है, ये पुरानी कॉमिक्स वापस नहीं ले रहा है, तो मैं खुद तुम्हारे साथ आता, मैं खुद उससे निपटता, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम बच्चे थे इसलिए उस आदमी ने तुमको फंसाया और तुमने चोरी की, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा कभी मत करना। तो ये सारी जो सीख थी हमारे माता जी की, पिताजी की, वो अभी भी दिमाग में, दिल में छाई हुई है और आज भी मेरी पूरी करियर में, मेरी जिंदगी में बहुत काम आ रही है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आज जो भी मैं जिंदगी जी रहा हूं उसमें मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट और प्रामाणिक इंसान के तौर पर जिंदगी जी रहा हूं। कभी कभी रात को नींद नहीं आती थी तो मेरी माँ गाना गाकर सुलाती थी,
मेरा फेवरेट गाना था एक मराठी उस समय का, नीज माझा नंदलाला नंदलाला रे। कृष्ण भगवान का गाना था, कृष्ण भगवान का गाना था। मेरी माँ को आता था तो मुझे कृष्ण भगवान समझती थी। मेरी दादी भी कृष्ण भगवान के कपड़े पहनाकर, हाथ में मुरली देकर, वो छोटा सा मुकुट पहनाकर बचपन में मुझे खड़ा किया करती थी, और दादी जी और उनकी सारी सहेलियाँ मेरे इर्द गिर्द बैठकर, गोल बैठकर कृष्ण भगवान के सारे भजन कीर्तन किया करती थी। तो मेरी माँ का वो बहुत पसंदीदा गाना था और मेरा भी, नी जमाझा नंदलाला नंदलाला रे। पिताजी बगीचों में घुमाने ले जाते थे, महीने दो महीनों में कभी एक बार कोई एक फिल्म, वो भी बच्चों के देखने लायक हो तो, या फिर एक बार महीने दो महीने में होटल का खाना, वो भी थाली, ये दूसरा कुछ, ये वड़ा पाव पानीपुरी भेलपुरी ये सब नहीं, रास्ते की चीज़ें नहीं, दूसरा कोई खाना नहीं, डोसा वोसा वगैरह कभी ज़िंदगी में खाया ही नहीं था हमने बचपन, थाली खाते थे बस जाके। थिएटर या होटल दूर हो तो हम बच्चे तो बच्चे ही थे, बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को देखते थे, रिक्शा से जा रहे हैं, तांगा से जा रहे हैं, बग्घी से जा रहे हैं, तो हम लोग भी कभी कभी झूठ मूठ या तो कभी कभी सचमुच पैर में दर्द होने की वजह से शिकायत करने लगते थे पिताजी से कि नहीं हमको भी बग्घी से जाना है, हमें रिक्शा से जाना है, हमें तांगा से जाना है, देखो बाकी लोग कैसे जा रहे हैं, हमारे पैरों में मोच आ गई, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, हमें भी ले चलो। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से उतने पैसे नहीं थे तो पिताजी को नहीं परवड़ता था, तो वो मुझे और मेरे भाई को कंधे पर उठाकर, अपने कंधों पर उठाकर ले जाते थे। फिर भी हम कंधों पर बैठकर भी शिकायत अगर करते, रोने लगते, तो वो हमें हंसाने के लिए हम दोनों को कंधों पर लेकर कूद कूद के चलते थे, 1-2, 1-2, 1-2, और पूरा रास्ता वैसे ही तय करते थे, हमें कूदते फांदते, हमें झूला झूलाते हुए हंसते हंसाते ले जाते थे। इतने पैशनेट थे हमारी परवरिश के बारे में, कहीं हम दोनों को कम मार्क्स मिले, हमसे उम्मीदें लगा रखी थी कि इतने अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ही, मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन से ही होशियार था, 95% के ऊपर ही हमेशा मार्क्स मुझे मिलते थे, तो वो उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी ये बोर्ड में आएगा, ये 12th के बोर्ड में आएगा, उनके जैसा आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर बनेगा। तो जब भी मुझे किसी भी एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिलते थे तो वो उनकी आँखें भर आती थी, उनके अपने बच्चों पर संस्कारों में कुछ भी कमी नज़र आए तो वो खुद को सजा देते थे। उनके, मेरे माँ बाप के इन संस्कारों की वजह से ही, इन इस कड़े अनुशासन की वजह से ही, इस अनोखे प्यार की वजह से ही आज मैं एक काबिल होनहार और प्रामाणिक इंसान बनकर इस मकाम तक पहुंच पाया जिंदगी में, और आगे भी बढ़ता रहूंगा। कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पलने में ही दिखते हैं, उसी तरह से बचपन से ही मैं कला का पुजारी था, काफी शौक था। सबसे पहला परफॉर्मेंस मैंने छोटी मोंटेसरी में दिया था, उस जमाने में ये सीनियर केजी जूनियर केजी नहीं था, छोटी मोंटेसरी बड़ी मोंटेसरी ऐसे हुआ करता था। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस मेरा छोटी मोंटेसरी में हुआ था, मैंने गाना गाया था, देहा चीती जोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवा आता उघडदार देवा। बाबूजी का यानी सुधीर फड़के जी का ये गाना था। देहाची तिजोरी मतलब ये देह जो है, ये शरीर जो है, ये बदन जो है, वो एक तिजोरी है, उसके अंदर भक्ति का ठेवा यानी ट्रेजर है। तो हे भगवान, ये देह की तिजोरी लेकर, अंदर भक्ति का ट्रेजर लेकर, खजाना लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, प्लीज आप दरवाजा खोलिए। दूसरा परफॉर्मेंस मैंने दिया बड़ी मोंटेसरी में, सेकेंड ईयर में। वहां पर तो एक्टिंग के साथ, डांसिंग के साथ, गाना था मराठी मराठों का, मराठे सरदारों का, शूरवीरों का, म्याना तुन उसले तलवारी ची पात, म्याना तुन उसले तलवारी ची पात, वेडात मराठे वीर दौड़ले साथ। एक्टिंग के साथ साथ डांस भी और परफॉर्मेंस भी, बड़ा मजा आया था। और मुझे वो बचपन से ही वो लत लगनी शुरू हो गई कि इसमें मुझे मजा आ रहा है, एक्टिंग करना, गाना गाना, नकल करना, परफॉर्मेंस करना, मजा आने लगा। बचपन से ही मैं काफी नॉटी नटखट रहा हूँ, नकलची रहा हूँ, कॉपीकैट रहा हूँ, और बचपन से ही मेरा ऑब्जर्वेशन भी काफी तगड़ा रहा है।
धार्मिक फैमिली, पुरोहितों की फैमिली होने की वजह से काफ़ी पूजा पाठ होते थे, काफ़ी मंदिरों में हम जाया करते थे, तो बहुत सारे पंडितों को, पुरोहितों को देखा है मैंने, तो उनको मैं ऑब्जर्व किया करता था, तो दिमाग में बैठ जाता था उनकी वेशभूषा, उनका उनकी बोलचाल, उनका चाल ढाल, सब कुछ, तो मैं वो कॉपी करने लगा, मिमिक्री करने लगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम स्वाहा ओम ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम दक्षिणा दयाम। तो ये सब बचपन में शुरुआत किया करता था, सब रिलेटिव्स वगैरह हंसते थे। बाद में हमारी कॉलोनी में जो हॉकर्स आते थे, फेरी वाले, उनको देखना, उनकी आवाज़ सुनकर उनका कॉपी करना मैंने शुरू कर दिया। बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। वो कांदे बटाटे बेचने वाला आता था, कांदे बटाटे। रात को कुल्फी वाला आता था, वो बर्तनों को कलही लगाने वाला आता था, स्टेशन पर हम लोग जाते थे रेलवे या बस स्टैंड पे, तो वहां पर वो बड़ा पाव बेचने वाला, अड़ा पाव, वो कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ऊपर वो ओपनर घुमा घुमा, ट्रिंक कॉल ड्रिंक। ये सब मैंने याद कर लिया, ये सब मैंने बाहर कर लिया। ऑब्जर्वेशन काफी तगड़ा था। वो लोकल ट्रेन में गाना गाते हुए भीख मांगने वाले भिखारी होते हैं, मैं तो आ रही थी उतारू रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, पर ये ऑब्जर्वेशन की बात है, बताना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं देखने लगा, सीखने लगा धीरे धीरे। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाएं, जैसे कि सिंधी आदमी है, कोई गुजराती आदमी है, कोई मारवाड़ी आदमी है, कोई पारसी है, कोई यूपी का है, पंजाब का है, तो इन सब की भाषा कैसे होगी, इनकी लैंग्वेज कैसे होगी, तो ये सब बहुत बारीकी से मैं पकड़ने लगा और उनका अभ्यास करने लगा और उसकी प्रैक्टिस करने लगा। जैसे कि सिंधी आदमी अगर बोल रहा है, बड़ी क्या कर रहा है चढ़िया, जल्दी यानी काम करनी फटाफट, ये सिंधी हो गया। गुजराती, अरे एटले क्या कर रहे हो भैया, अरे हम भी तो आते हैं ने, तुम्हारे साथ मिल के खाते हैं, ये गुजराती हो गया। बाद में महाराष्ट्रियन अगर एक्सेंट में बोलना है कि बोलेंगे, अरे क्या कर रहे हो बहू, अरे यहाँ तो आओ हमारे साथ मिल के बैठ के खाओ। पंजाबी बोल रहे, ओए पुत्र, अरे की गल है, अरे क्या कर रहा है तुसी, अरे ओ बल्ले बल्ले। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे एक्सेंट्स मैंने सीखना शुरू किया, और ये सब परफॉर्मेंसेस में फैमिली के सामने, रिलेटिव्स के सामने, कॉलोनी में, गैदरिंग्स में, सब जगह करने लगा और फेमस होने लगे। लोग डिमांड भी करने लगे, अरे वो परफॉर्मेंस करके बता। तो धीरे धीरे कहीं से वो दिमाग में बात ये बैठने लगी कि भाई ये मैं आगे इसका करियर भी मैं कर सकता हूँ, इसमें जाके मैं ज़रूर कुछ डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ। तो बाद में मैंने धीरे धीरे एक्टर्स लोगों की आवाज़ें, पॉलिटिशियंस लोगों की आवाज़ें, इस पर भी ध्यान देना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनकी पढ़ाई करनी शुरू की, अभ्यास करना शुरू किया और उसमें उसको परफेक्ट करना शुरू किया। सिंगिंग में भी सुधार आया, एक्टिंग में सुधार आया। जब मैं परफॉर्मेंसेस करता था तो वहाँ पर कॉलोनी में परफॉर्मेंसेस या गैदरिंग में परफॉर्मेंसेस कॉलेज के होते थे, छोटी मोटी एकांकी में जो परफॉर्मेंसेस होते थे, तो वहाँ के जो परीक्षक हुआ करते थे, एग्जामिनर्स, वो बोलते थे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, पर थोड़ा कहीं पर हम लोगों को लगता है कि तुम्हारा बोलचाल, जो तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी है, वो डायलॉग डिलीवरी थोड़ी फास्ट है। डिक्शन तो अच्छा है, स्पष्ट है, पर इतना फास्ट बोल जाते हो कि जब तक हम वो लाइन डाइजेस्ट कर पाएँ, समझ पाएँ, तब तक लाइन्स आगे चली जाती हैं, डायलॉग्स आगे चले जाते हैं, सीन आगे निकल जाता है। तो थोड़ा धीरे बोलने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा धीरे बोला करो, थोड़ा स्लो बोला करो। मैंने कहा यार ये तो पंगा हो गया, मैं कैसे ये करूँ। तो उस समय ज़्यादा कुछ आज के जैसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, डिजिटल ज़माना नहीं हुआ था, पर पिताजी मेरे वहाँ तब उस समय ईरान जाकर आए थे और ज़िंदगी में पहला टेप रिकॉर्डर वहाँ से लेकर आए थे हम लोगों के लिए। मैंने कहा भाई इसका यूज़ हो सकता है, तो मैंने वहाँ पर अंदर टेप डालना शुरू किया, टेप रिकॉर्ड के अंदर, और अपने खुद के डायलॉग्स में वहाँ पर बोलने लगा और रिकॉर्ड करने लगा। जैसे कि ये तुम क्या कह रहा हूँ, मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ, ये तुम क्या कह रहा हूँ, मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ, ये बात ठीक नहीं है। इस स्पीड में मैं बोलता था तो मैं रिकॉर्ड करके सुनता था, ये क्या बोल रहा हूँ, कब से तुमसे कह रहा हूँ, ये बात ठीक नहीं है। हाँ ज़रूर है भाई,
क्लियर तो है, डिक्शन तो अच्छा है, लेकिन फास्ट जरूर है, तो प्रैक्टिस करने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो? और स्लो होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कब से तुमसे कह रहा हूं ये बात ठीक नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कब से तुमसे कह रहा हूं ये बात ठीक नहीं है? ऐसे करते करते मेरा स्पीड भी धीमे हो गया और एक्टिंग भी सुधरने लगी। जो फास्ट बोलने में जो एक बचपना था, वो धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते मेरे बोलने में ठहराव जो आने लगा, उससे एक मैच्योरिटी आने लगी। फिर उसमें मैं अलग अलग तरीके से शब्दों पर जोर देकर मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। सी मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर आप एक शब्द पे जोर दे सकते हो तो दूसरे पे भी दे सकते हो। एक पे जोर दोगे तो अलग मीनिंग निकल आएगा, दूसरे पे जोर दोगे अलग मीनिंग निकल आएगा, तीसरे शब्द पे जोर दोगे तो अलग मीनिंग निकल आएगा, सिचुएशन अलग होगी, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो इससे मेरी एक्टिंग में, मेरे डिक्शन में, मेरे बोलने के तरीके में काफी सुधार आने लगा। कॉलोनी कॉलेज में प्लेज बना, कनेक्ट प्लेज, एकांकी नाटक करते करते मुझे गणपति उत्सव में जो रिकॉर्डिंग्स होते थे उसमें से ऑफर्स आने लगे। आपको पता होगा वो गणपति के पंडाल होते हैं, वहाँ पर वो एक नज़ारा लगाते हैं, कोई शो होता है और पीछे टेप लगती है, बैकग्राउंड में से आवाज़ आती है, नरेशन होता है, तो वो नरेशन के लिए मुझे ऑफर्स आने लगे। तो मैंने कई सारे गणपति, माघी गणेश उत्सव, गणपति उत्सव में कई साल तक मैंने मेरी आवाज़ दी और काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने किए, काफ़ी नज़ारों को, शोज़ को एज अ बैकग्राउंड वॉइस, एज अ नरेटर, एज अ एमवीओ मैंने मेरी आवाज़ दे दी। और मुझे लगता है कि ये सब मेरे बचपन के कार्यक्रम, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रम और ये गणपति उत्सव के कार्यक्रम, इन्हीं सब कार्यक्रमों की वजह से मेरे करियर की नींव वहाँ पर रखी गई। ये करते करते धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि भाई मुझमें शायद वो कला है, वो गुण है, तो क्यों ना मैं प्रोफेशनल लेवल पर ट्राई करूं। तो मेरी नज़र जो है वो बड़ा कैनवस ढूंढने लगी। तो धीरे धीरे मैंने मुंबई लेवल पर, स्टेट लेवल पर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो कई सारी संस्थाएं थी, मैं ज्वाइन करना चाहता था लेकिन मैं नया था, तो कोई मुझे मेंबर बनाने के लिए तैयार नहीं था, कोई मुझे रोल्स देने के लिए तैयार नहीं था। और मैं तो चाहता था कि भाई मुझे तो करने हैं बड़े बड़े रोल्स करने हैं, मेन रोल्स करने हैं, हीरो के रोल्स करने हैं, मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ हैं, मैं वो आइडियाज़ उतारना चाहता हूँ, लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, उन टॉपिक्स पर मेरे दिमाग में जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट उन टॉपिक्स पर मैं लिखवाना चाहता हूँ, वैसे प्लेस बनाना चाहता हूँ। और मेरे दिमाग में जो टॉपिक्स थे वो उस ज़माने में थोड़े अलग थे, थोड़े आज कह सकता हूँ कि काल से थोड़े और भी आगे के थे। तो उस ज़माने के लोगों को लगता था, अरे नहीं यार ये क्या, कहाँ से कौन सा टॉपिक लेकर आया है। जैसे कि उस ज़माने में मैंने पहले तृतीय पंथी लोगों के ऊपर मैंने एक प्ले किया था, बाद में दंगे के ऊपर, हिंदू मुस्लिम दंगे के ऊपर मैंने प्ले किया था, बाद में मैंने एक प्ले था आदि अनंत अंत, वो इंसान और इंसान का मन, उसके ऊपर एक प्ले था। तो ये लोग सोचते थे कि ये नहीं, बहुत भारी भरकम और कुछ ही अलग और वियर्ड टाइप के ये ऑफबीट टॉपिक लेके आता है, ये इंसान तो नहीं करने हैं। तो कोई मुझे लेने को तैयार ही नहीं था। मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, तो नहीं लेना चाहता है तो बस एक अकेला सिलेदार ही सही, मैं खुद अकेला लड़ूंगा। तो मैंने खुद ही दो संस्थाओं का निर्माण किया, एक थी ओंकार नाट्याविष्कार और दूसरी थी अमोल नाट्य संस्था। तो ये दोनों संस्थाएं मैंने, इनका निर्माण तो कर दिया, निर्माण करने में क्या जाता है, पैसा कहाँ से आएगा। जो कॉम्पिटिशन्स में मैं भाग लेना चाहता था, मुंबई लेवल, स्टेट लेवल, ये सारे अलग अलग तरह के गणेश उत्सव के कॉम्पिटिशन्स, पैसा कहाँ से आएगा, एंट्री फी के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया, होम ट्यूशन्स। जो भी जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स थे तो उनके मैं ड्राइंग शीट्स निकालता, बना के देता था उनको, उनके प्रोजेक्ट्स में बना के देता था और उनसे फीस लेता था, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया। तो उनसे जो फीस आती थी तो वो सब जमा कर करके मैं ये कॉम्पिटिशन्स के लिए, एकांकी के, वन एक्ट प्ले के कॉम्पिटिशन्स के लिए, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए फीस भरता था, एंट्री फीस। फिर बाद में उसका सेटिंग है, उसका लाइटिंग है, उसका म्यूजिक है, रिहर्सल हॉल हुआ, रिहर्सल के समय चाय नाश्ता, ये सब खर्चा। तो एक साइड में मेरा एजुकेशन भी चल रहा था, एक साइड में मैं ये सारे ट्यूशन्स लेना और दूसरे जूनियर स्टूडेंट्स के काम करना, उनसे फीस लेना, ये काम चल रहा था, और एक तरफ ये मेरी रिहर्सल्स चल रही थी।
तो ये करते 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 बहुत सारे मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने काफ़ी साथ दिया मेरा, और टॉपिक्स भी मुझे अच्छे मिले, राइटर्स मुझे अच्छे मिले, जो मेरे दिमाग में टॉपिक्स थे उन्हें कागज़ पर उतारने वाले अच्छे राइटर्स मुझे मिले। तो उनकी सब इन सब लोगों के टीम वर्क की वजह से ही मेरे उस ज़माने के जो वन एक्ट प्लेस थे, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा अश्वत्था चिमोड़े, आदि अनंत अंत, बाद में अस्तित्वाचं ओझ, अंधार दाही दिशा, दंगा, परिसस्पर्श, कॉकी पॉपीची गोष्ट, ऐसे बहुत सारे वन एक्स प्ले थे और ड्रामा थे, पुरुष, प्रतिहत, ये स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन के ड्रामास भी थे, जिनको बहुत भर भर के लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे प्राइजेस भी मिले, जैसे कि स्टेट लेवल के अवार्ड्स मिले, मुंबई लेवल के अवार्ड्स मिले, बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट लाइट, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सेटिंग, यहाँ तक कि मतलब लोगों का ये मानना था, लोग देखने लगे थे कि भाई ये आदमी कंपटीशन में आ गया, ये लड़का कंपटीशन में आ गया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, चलो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो, ये सारा धोखे लेके जाएगा, मतलब इतना लोगों को पसंद आता था। जो भी है, अकेला था उस समय तो अकेला ही सही करके मैंने शुरुआत तो की थी, पर धीरे धीरे फिर लोग जुड़ने लगे और जब सक्सेस मिलने लगा, प्राइजेस मिलने लगे, तो फिर नाम भी होने लगा। धीरे धीरे इन सब कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते लेते मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिलने लगे, जैसे कि ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स थे, लेट वी शांताराम अवार्ड, लेट काशीनाथ घाणेकर अवार्ड, लेट अनंत नाग अवार्ड, लेट कुसुमाग्रज विवा शिरवाड़कर अवार्ड, लेट स्मिता पाटिल अवार्ड, बाद में कामगार कल्याण अवार्ड, संस्कृति कला दर्पण अवार्ड, नाट्य दर्पण अवार्ड, स्टेट लेवल का, महाराष्ट्र स्टेट लेवल का मेडल, और यहाँ तक कि दंगा इस मेरी एकांकी को, वन एक्ट प्ले को, तो नेशनल अवार्ड भी मिला। तो ये सारे अवार्ड्स मिलते गए और फिर मेरा रास्ता इस फील्ड की तरफ क्लियर होता गया। इसी बीच, इस सब घमासान के बीच, मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन तो गया, पर घर में काफ़ी असंतोष फैलने लगा, घर में, रिश्तेदारों में। वो चाहते थे कि अब भाई इसका एजुकेशन पूरा हो गया है तो ये भी हम सब की तरह कोई अच्छी खासी नौकरी ढूंढे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सेटल हो जाए, कमाने लगे और घर में माँ बाप का हाथ पटाने लगे। पर मैं तो ऐसा था कि नहीं, ये नाटक का जादू और कॉम्पिटिशन की लत और ये इनामों का जो मिल रहे थे, अवार्ड्स मिल रहे थे, उनका नशा, उनका लालच इतना छा गया था, इतना सर पे चढ़ गया था कि मैंने नौकरी करने से इनकार कर दिया। बस भाई नाटक नाटक नाटक, सुबह निकलो घर से बाहर, नाटक, पूरा दिन रिहर्सल, शाम को, रात को लेट आके नाटक। माँ बेचारी जागती रहती थी, भाई खाना खाया नहीं है बच्चे ने, रात को दो दो तीन तीन बजे फिर उठती थी, खाना खिलाती थी। घर में पिताजी का असंतोष, तो उनको वो चाहते थे बेचारे कि उनकी तरह मैं सिविल इंजीनियर बनूं, वो तो नहीं बना, चल एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गया है तो कुछ उसमें तो नौकरी धंधा कर, कुछ घर में पैसा दे, वो भी नहीं दे रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, या तो तुम नौकरी करो या तो फिर तुमको घर से एक पैसा नहीं मिलेगा, ये ड्रामा के लिए और एकांकी के लिए और ये सब तुम जो कर रहे हो ये हमें पसंद नहीं है। रिश्तेदारों को भी उन्होंने बुलाया, अभी रिश्तेदार बोलने लगे कि भाई ये जो लड़का है हमारा, ये बच्चा है, ये तो गया काम से, बर्बाद हो गया। वो ज़माना ऐसा था, सोचिए आप, आज जैसा नहीं था, उस ज़माने में काफ़ी चैनल्स नहीं थे, उस ज़माने में एक्टर लोगों को बुरा माना जाता था, ये काम से गया, ये एक्टर बन गया मतलब ये काम से गया, ये इसको कोई नौकरी नहीं देगा, ये पैसा नहीं कमा सकता, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको कोई लड़की भी नहीं देगा शादी करने के लिए, ये ऐसे लोग जो होते हैं इनको सिगरेट, दारू, अफेयर्स इनकी लत लगती है, ये पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं, तो ये सब गंदा है, ये छोड़ देना चाहिए, इससे बेटर है कोई अच्छी खासी नौकरी पकड़ो, नौकरी पेशा रहो और सेटल लाइफ जियो। तो यही सब घर के लोग चाहते थे, रिश्तेदार भी चाहते थे, तो काफ़ी प्रेशर डाला करते थे, यहाँ तक कि मुझे घर से पैसे मिलना बंद हो गया था। पिताजी बोलते थे सिर्फ दो वक्त का खाना मिलेगा, रात को सोने के लिए छत मिलेगा बस, तो जब तक तुम कमाओगे नहीं तुमको और कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी परेशानी में, ये प्रेशर में मैंने एक बार मैंने तो ना ना करते करते फाइनली हाँ कर दी कि भाई चलो ठीक है मैं नौकरी कर लेता हूँ। तो पिताजी ने सोचा भाई चलो एटलीस्ट कम से कम मान तो गया, अभी इसको मैं नौकरी ढूंढने बोलूंगा तो ये और टाइम खाएगा और शायद जाएगा भी नहीं, इसलिए उन्होंने एक जगह पे खुद सिफारिश कर दी और इस सिफारिश पे भेज दिया कि भाई यहाँ लग जा। तो मैं वहाँ गया, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सर्विसेज नाम की कंपनी थी,
तो वहाँ पर सुपरवाइजर की जॉब पे मुझे लगवा दिया। उन्होंने देखा भाई वहाँ तुम्हारे पिताजी को जानते हैं, बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा है तो ज़रूर तुम भी अच्छे होंगे, तो तुम्हें नौकरी हम देने के लिए तैयार है, फटक से आज ही से काम पे लग जाओ। मैं लग गया, बड़ा अपसेट हुआ था। मैंने कहा यार ये सब नाटक वाटक छोड़ के जो है ये नौकरी करनी पड़ेगी, चलो कर लेता हूँ। स्टार्ट तो किया, एक दो दिन में ही मुझे जिंदगी का पहले जिंदगी की मेरी पहली सीरियल का ऑफर आ गया, टीवी सीरियल। उस जमाने में सिर्फ दूरदर्शन था और कोई चैनल तो था नहीं, मेरे ख्याल से 1985-86 की कुछ बात, 85 की बात है मेरे ख्याल से। आख्यान नाम की सीरियल थी, तो उन्होंने कहा था भाई आप एक पहचान के थे हमारे, तो की तरफ से ही वो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं वहाँ चला गया उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है आपको एक्टिंग के लिए स्कोप मिलेगा, लेकिन आपको साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजिंग भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, मुझे वो भी सीखने को मिलेगा प्रोडक्शन मैनेजिंग क्या है, और मैं रोल भी कर सकूंगा, अगर प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो मैं खुद अपने लिए रोल भी निकाल लूंगा इसमें से, का जो जो मैं कर सकता हूँ मेरी उम्र के लायक, मेरी कैपेबिलिटी के लायक। तो मैंने फौरन हाँ कर दी, उतने पैसे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, और हो गया झमेला। यहाँ पर नौकरी में दो दिन मैं जॉब पे जा रहा हूँ, चार दिन शूटिंग पे जा रहा हूँ, दो दिन जॉब पे जा रहा हूँ, चार दिन शूटिंग पे जा रहा हूँ। एक डेढ़ महीना उन लोगों ने देखा, बाद में बॉस ने बुला लिया, बोले भाई साहब आपके पिताजी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय हैं, इसलिए आपको नौकरी दी, पर यह आपका आम रवैया देख रहा है, दो दिन काम पे आ रहे हो और चार दिन कहीं गायब हो रहे हो। मैंने कहा शूटिंग है मेरा, मैं तो अरे या तो शूटिंग करो या तो नौकरी करो ना भैया। मैंने कहा नहीं लेकिन मैं वो छोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने बोला तो एक काम करो, अभी हम आपको निकालना नहीं चाहते, तो आप खुद ही इस्तीफा दे दो और निकल जाओ, कहीं आपका करियर बाद में बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारा अगर हमने आपको निकाल दिया तो बहुत ही बड़ा आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि इसको नौकरी से निकाल दिया इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो मैंने फौरन इस्तीफा दे दिया, डेढ़ महीने में ही नौकरी छोड़ दी और चला गया सेट पर। पिताजी को काफ़ी दो चार महीने के बाद पता चला, ऐसे हिनहिनाए भिनभिनाए, बहुत गुस्सा हुए, बहुत मार भी पड़ी और घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कहा कि घर के अंदर आना ही मत, तुम किसी काम के नहीं हो। अब मैं परेशान, यहाँ पर मैं सीरियल कर रहा हूँ, वहाँ नाटक चल रहे हैं, वहाँ एकांकिया चल रही है, वहाँ नेटफ्लिक्स चल रहे हैं, अभी क्या करूँ। लेकिन फिर भी नाटक छोड़ा नहीं। गडकरी रंगायतन हमारा जो एक रंग मंदिर है थाना में, तो उसके पिछवाड़े में वहाँ के स्टेप्स पर सोता था, जहाँ जो मिले खाना खाता था, दोस्त कभी दोस्तों के घर में जाके सोता था, लेकिन रिहर्सल्स पे जाता था, शूटिंग पे जाता था, वो सब मैं करता था। काफ़ी मेरे ख्याल से एक साल तक मैं बाहर रहा, घर से बाहर रहा। बाद में पिताजी को दया आ गई, उन्होंने वापस घर में ले तो लिया, पर उन्होंने वही कहा बस तुमको छत मिलेगा, दो वक्का खाना मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, जब तुम कमाते नहीं हो तो बाकी कुछ नहीं देंगे तुमको, अगर नाटक वाटक जो भी करना है वो अपने पैसे से कमा के करो जो कुछ करना है। मैंने कहा चलो एटलीस्ट कम से कम घर के अंदर तो ले लिया, और फिर मेरा जो मेरा सफ़र है वो आगे शुरू हुआ। उसके बाद जिंदगी में मैंने आज तक कोई भी नौकरी नहीं की, भगवान की दया से, कला के जो भगवान हैं नटराज, उसकी दया से, उसके आशीर्वाद से बाद में मुझे काम मिलते ही गए, एक्टिंग में मिलते ही गए। बहुत सारे सीरियल्स मैंने आख्यान से शुरू तो हुआ, उसके बाद मैंने नंदा, शॉर्टकट, गिनी पिग, बंदिनी, दामिनी, चार दिवस सासू से, तेरे घरचा समोर, बाद में ऊंचापति, तू जीवाला गुंतवावे, साता जन्माचा गाठी, लेक माझी लाड़की, 1760, सासूबाई, ऐसे काफ़ी सारे मराठी सीरियल्स में काम किया, मेजर मेजर रोल किए, लीड कैरेक्टर्स किए। बाद में करते करते मुझे मराठी जब मैंने शुरू किया तभी मुझे हम पांच सीरियल चल रही थी, तो वहाँ से भी बालाजी की ऑफर आई, तो पहली बार मुझे हिंदी सीरियल में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पर भी भगवान की दया से मैंने झंडे गाड़ना शुरू कर दिया। कॉमेडी का सेंस तो अच्छा ही था, तो अशोक सराफ जी को और डायरेक्टर जो थे कपिल कपूर जी को बहुत पसंद आया, तो उनका भी मैं लाडला एक्टर बन गया। तो काफ़ी एपिसोड मैंने फिर हम पांच, पड़ोसन, चुटकी बजा के, प्रोफेसर प्यारेलाल, मानो या ना मानो, तौबा मेरी तौबा, द ट्रैप, गुमराह, नाना ओ नाना, बहुत सारे हिंदी सीरियल्स में भी काम किया। ये हिंदी सीरियल्स में काम करते करते, मराठी सीरियल्स में काम करते करते फिर फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे, तो कई मराठी फिल्में की मैंने, वजीर, बाद में आइडियाची कल्पना, तू नवरा माझा नवसाचा, गुरु पौर्णिमा,
अभी अपकमिंग फिल्म्स हैं, जवानी जाने मन सचिन पिलगांवकर के साथ, बाद में है दूसरी उधान, सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट की फिल्म है, बाद में एक और वायकॉम 18 मीडिया की अनटाइटल्ड फिल्म है, उसमें काफ़ी मेजर रोल है, लीड कैरेक्टर है, वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स है। हिंदी फिल्में भी की मैंने, जैसे कि सबसे पहली फिल्म मुझे हिंदी मिली थी कालीचरण, सेकंड कालीचरण, जिसमें धर्मबाजी धर्मेंद्र जी ने रोल किया था, तो उन्होंने भी मेरा कई परफॉर्मेंस देखा था, वो डायरेक्टर थे इमरान खालिद, तो उन्होंने परफॉर्मेंस देखा था मेरा कोई ड्रामा का, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, और कॉमेडी कैरेक्टर था तो उन्होंने काफ़ी मेजर रोल था उसमें, तो उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस ऑडिशन ले ली और बहुत खुश हो गए, ऑडिशन के समय ही हंसने लगे, तो वहाँ से मेरा हिंदी फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ। तो कालीचरण बिल्ला नंबर 786, मिथुन दा के साथ, आज का रावण, सन्यासी मेरा नाम, पुरानी कवर हॉरर फिल्म की थी मैंने जिसमें ट्रिपल रोल था मेरा, मैं फिर आऊँगी, जंगल का हीरो, यहाँ तक कि यशराज की लफंग के परिंदे, मेरी प्यारी बिंदु, ऐसी बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। 1985 में आई थिंक मुझे सबसे पहला कमर्शियल मराठी ड्रामा मिला, संगीत संत गोरा कुंभार, जिसमें काफ़ी गाने भी थे, तो उसमें मैंने संगीत संत गोरा कुंभार ड्रामा में गोरा कुंभार जी जो संत रह चुके थे उनके बेटे का काम किया था, केशा, वो केशा नाम के एक लकड़हारे को अपना बेटा मानते हैं, और वो बेटा लकड़हारा उनके पैरों में ही अपना जीवन समर्पित कर देता है और उनके लिए ही पूरी जिंदगी जीता है, तो वो केशा नाम का कैरेक्टर मैंने उसमें किया था। तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ वहाँ पर प्रकाश घांगरेकर जी, चंदू डेगवेकर जी, फैयाज जी, नारायण बोड़स जी, तो ऐसे बड़े बड़े संगीत गाने वाले बड़े बड़े एक्टरों के साथ, सीनियर और लेजेंड लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने स्टेट लेवल पर पुरुष नाम का ड्रामा किया था, महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर कॉम्पिटिशन में, जिसमें मैंने नाना पाटेकर का रोल जो था गुलाबराव, नाना पाटेकर ने गुलाबराव का रोल किया था कमर्शियल पुरुष में, तो वो रोल मैंने किया तो मुझे स्टेट लेवल का अवार्ड मिला, मेडल मिला। तो उस समय पुरुष ड्रामा चल रहा था कमर्शियल में, तो जो संस्था ने किया था कला वैभव, तो उस संस्था ने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने मुझे वहाँ उनका दूसरा ड्रामा ऑफर किया, दूसरा सामना, तो उस दूसरा सामना ड्रामा में मैंने एक्टिंग भी कर लिया और एक्टिंग भी की और साथ साथ म्यूज़िक ऑपरेटर का भी उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया, तो मैं म्यूज़िक भी ऑपरेट करने लगा। ये मेरे लिए नया फील्ड था कि पूरे ड्रामा का म्यूज़िक ऑपरेट करना और साथ साथ रोल भी करना, तो उसमें भी मैं सक्सेसफुल हो गया। तो बाद में मुझे कमर्शियल नाटक में रोल भी मिलने लगे और साथ साथ म्यूज़िक ऑपरेटर के ऑफर भी आने लगे, तो मैंने एज एन एक्टर काफ़ी ड्रामा में बाद में काम किया, जैसे कि हे वॉयस असस्त में साइकेट्रिस्ट का रोल निभाया था, बहुत लोगों ने पसंद किया था, नट सम्राट जिसमें राजा गोसावी जी ने नट सम्राट का रोल किया था, षडयंत्र खलनायक, आमी बिगड़ लो जिसमें यशवंत दत्त जी और उषा नाडकर्णी जी काम कर रहे थे, उनके साथ मैंने काम किया था, उनके बेटे का रोल किया था, भोले डैम्बिस, वात्रट मेले, पाउल खुणा, एक दिवस सुनेचा, बाद में किमयागार जो मैंने लेटेस्ट किया था, किमयागार मतलब वो हेलन केलर के ऊपर ड्रामा था जिसमें मैंने हेलन केलर के फादर का कैप्टन केलर का रोल निभाया था। तो ऐसे काफ़ी मराठी ड्रामाज में मैंने एज अ कलाकार, एज अ अभिनेता मैंने रोल किया था और म्यूज़िक भी बजाया था साथ में, नाती गोती, पाउल खुणा, रानभूल, कार्टी श्रीदेवी आदि नाटकों में मैंने म्यूज़िक भी बजाया था, एज अ म्यूज़िक ऑपरेटर काम किया। मैंने कई हिंदी ड्रामाज भी किए, जैसे कि प्रतिबिंब का चक्कर, मैं नमूद करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा यहाँ पर कि वो कॉमेडी ऑफ एरर्स नाम का जो शेक्सपियर का काफ़ी फेमस प्ले था उसके ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसमें मैंने मेन रोल किए थे, डबल रोल किया था कॉमेडी ऑफ एरर्स प्रतिबिंब का चक्कर। उसके बाद बुढ़ा सठिया गया, मिस अहलूवालिया, ऐसे कुछ हिंदी ड्रामा में काम किया, बाद में इंग्लिश प्ले में भी काम किया था, द रिस्की टर्न। ये सब ड्रामास करते करते गडकरी रंगायतन हमारा जो था वो हमारी कर्म भूमि थी, वहाँ पर ही हम सब लोग जो नाटक वेड़े लोग थे, नाटक प्रेमी थे, वो वहाँ पर मिलते थे शाम को। तो वहाँ पर हमारा एक दोस्त आया, उसने कहा भाई डबिंग का काम हो रहा है, NFDC वाले डबिंग करना चाह रहे हैं जंगल बुक सीरीज का। तो जंगल बुक मतलब यानी वो जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चट्टी पहन के फूल खिला है, गुलजार साहब ने गाना लिखा था याद है, तो वो सीरीज का डबिंग होने वाला है, तो डबिंग करना कौन कौन जानता है।
तब तक हम लोगों ने डबिंग का नाम तो सुना था, डबिंग कैसे करते हैं ये पता तो था, लेकिन कभी किया नहीं था। हाँ, नरेशन वगैरह किया था, रिकॉर्डिंग्स किए थे काफी गणेश उत्सव के स्टेज के पीछे, बट डबिंग लिप सिंक वो कभी नहीं किया था। तो जानते तो थे, तो मैंने भी हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने कहा भाई यस, मैं करना जानता हूँ, मैं करना चाहूँगा। तो हम लोगों को ले गए, मीडिया विजन आई थिंक स्टूडियो था महालक्ष्मी में, बॉम्बे सेंट्रल में। तो उस स्टूडियो में हम लोग गए, तो वहाँ पर लेकिन वो ज़माना था यूमैटिक का, उस समय कंप्यूटर्स वगैरह कुछ नहीं थे, डबिंग बूथ भी अलग अलग नहीं थे। तो एक बड़ा सा रूम था, उस रूम में मॉनिटर लगा हुआ है, उसी रूम में यूमैटिक रिकॉर्डर है आपका, वो बड़ी सी टेप आती थी उसमें घुसा के वो आपको दिखा रहे हैं, छोटा सा टीवी है देखो आप, सब लोग बैठे हुए हैं लाइन लगा के यहाँ पे। तो लगा के हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा ये है सीरियल है, ओके ओके, तो आपको ये करना है, आपको ये करना है, कास्टिंग हो गई। तो मुझे दिया गया मोगली का जो वुल्फ फादर था, सिकंदर, मोती कैरेक्टर का नाम था, सिकंदर भी था कभी, मोती भी बोलते थे उसको इंग्लिश में, अलेक्जेंडर नाम था उसका, तो वो कैरेक्टर। बाद में कमलाकर सोनटक्की जी बलू करते थे, पर कभी कभार वो नहीं कर पाते थे, उनके काम की वजह से व्यस्त होते थे, उनकी सेहत की वजह से, तो कभी कभी बलू भी मैंने किया। का कैरेक्टर जो पाइथन का कैरेक्टर था वो भी मैंने कभी कभी उसमें किया था, और काफ़ी सारे इंसिडेंटल्स भी किया करता था। तो वो वहाँ पर बहुत सुबह 8 बजे से हम लोग बैठकर सारे 8-10 आर्टिस्ट आ जाते थे एक साथ, सुबह 8 से लेकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक डबिंग चलती थी। अभी एक इंसान को डबिंग अगर करनी है तो भाई आपको पूरा सीन देख लो, अच्छा पूरा सीन देख लो, हाथ में पेपर ले लो, पेन ले लो, फिर वहीं पे रवि मलिक जी थे NFDC के, वो ट्रांसलेशन वहीं बताते थे, तो ट्रांसलेशन हम लोगों को वहीं करना है। तो एक एक लाइन सुन सुन के वो हिंदी लाइन लिखो, उसका इंग्लिश लाइन लिखो, उसका ट्रांसलेशन लिखो, एक एक लाइन सुनो, उसका ट्रांसलेशन लिखो, वो हाथ में लेके, ये यहाँ पर माइक रखा हुआ है, अभी सब लोग वहीं उसी रूम में बैठे हुए हैं, हेडफोन्स नहीं कुछ नहीं, ऐसे रखो सामने ये माइक और ये, बस नज़र ऐसे घुमाओ और देखते जाओ, नज़र घुमाओ देखते जाओ, और ऐसे करके आपको बोलना है और सिंग भी करना है। ये यहाँ पर आपको मॉनिटर रखा हुआ है, मॉनिटर पे देखो, इधर देखो, क्योंकि बाय हार्ट को इतना बड़ा सीन होना मुश्किल है। तो ये करते करते सिंग करते जाओ। अच्छा, रिहर्सल आपको पहले एक बार कर लो, दो बार कर लो, तीन बार कर लो, बाद में हेडफोन्स नहीं है तो वो आपको वॉल्यूम बंद कर देंगे, तो खाली आपको लिप चलते हुए लिप्स को देखकर, यहाँ स्क्रिप्ट देखकर, दोनों को देखते हुए मैच करना है, और वो डबिंग करते हैं। तो बस कॉन्सेंट्रेशन की काफ़ी ज़रूरत थी, फोकस होना काफ़ी ज़रूरी था, तो करो, करते करते अगर कहीं पर भी थोड़ा सा सिंक इधर उधर हो गया तो काट, फिर से टॉप से शुरू, क्योंकि वो लूप लगता था उस समय, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो हाँ चलो ठीक है यहाँ से ले लो, हम लोग खींच लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, या TC कर लेंगे, टाइम कॉम्प्रेस, टाइम स्ट्रेच, वो कुछ नहीं था। तो पूरा का पूरा 10 डायलॉग आपको टॉप से करने पड़ते थे, तो फिर से करो। तब तक बाकी सब सारे आर्टिस्ट जो बैठे हुए वहाँ पे सारे शाम चुप, मतलब किसी को अगर नंबर 1 नंबर 2 जाना होगा तो वो भी नहीं जा सकता, किसी को अगर प्यास लगी हो पानी वानी नहीं पी सकता, कोई डकार नहीं मार सकता, क्योंकि वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मतलब ऐसे शांत माहौल में बैठ के चुपचाप सारा वो डबिंग करते रहो, तो मुश्किल था, काफ़ी बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस जमाने से जो कि हम लोग आए हैं, ये हम लोगों ने ये सब किया है, तो आज भी हम लोगों का लिप सिंक काफ़ी परफेक्ट है। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर पे ले रहे हैं या यूमैटिक पे ले रहे हैं या बाद में जो डैट और हाइट आए उस पे आप ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिप सिंक कड़क ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने उस जमाने में किया है जब हेडफोन्स भी नहीं थे, खाली लिप्स को देख के मैच करना है, और गलती हो गई तो टॉप से करना है। तो ऐसे डबिंग हम लोग करते करते, फोकस करते करते, हम लोग जंगल बुक भी हुआ, तो वहाँ उस समय हमारे साथ गिरिराज नाम के एक बड़े एक्सपीरियंस्ड डबिंग आर्टिस्ट थे मराठी, तो वो भी हमारे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि अरे विनोद कुलकर्णी अच्छा लड़का है, नया लड़का है, तो इसका यूज़ किया जा सकता है, इसको और आप मौके दिए जा सकते हैं, तो इसका टैलेंट एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो उन्होंने फिर बाद में मुझे मराठी डबिंग्स के लिए बुलाना शुरू किया, नीलिमा दामले जी हैं, उन्होंने फिर मराठी डबिंग्स के लिए बुलाना शुरू कर दिया, तो काफ़ी, क्योंकि उनके पास उस समय मराठी डबिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, तो मैं उनके साथ काफ़ी मराठी फिल्में, मराठी सीरियल्स में भी डबिंग करने लगा एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो फिर उस समय मुझे चेक्स मिलना शुरू हो गए। हाँ, बताना चाहता हूँ, मैं जंगल बुक के समय हम लोगों को 100 रुपये मिलता था, वो पूरे सवेरे 8 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक, एक एपिसोड जो हम लोग करते थे उसका 100 रुपया शुरू में, बाद में 150-200 हो गया, उसके ऊपर नहीं मिला, तो मतलब शुरू की कमाई हमारी पर एपिसोड 100 रुपया एंड खाना पीना जो कुछ है। तो उसके बाद में ये मराठी सीरियल्स भी करने मैंने शुरू कर दिए, मराठी सीरियल्स, फिल्में डब करते 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 हिंदी भी करना शुरू किया,
मुझे याद है मैं करियर डबिंग सेंटर वर्ली में जो है वहां पर मैंने एक फिल्म के लिए मैंने और गिरिराज जी ने 15 कैरेक्टर मैंने और 15 कैरेक्टर उन्होंने किए थे। हम दोनों ने अकेले ही पूरी पिक्चर मेल जितने मेल कैरेक्टर से डब कर डाली थी। हीरो मैं, विलन गिरिराज, हीरो का भाई मैं, विलन का भाई गिरिराज, हीरोइन का फादर गिरिराज, विलन का फादर मैं, बाद में हीरो का फ्रेंड गिरिराज तो विलन का फ्रेंड मैं, इसका चाचा मैं, उसका चाचा वो, इसका मामा मैं, उसका मामा वो, ऐसे करते करते 15-15 कैरेक्टर हम दोनों ने किए थे, अलग अलग आवाज निकाल के, अलग अलग वेरिएशन देके। और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बड़े खुश हो गए। अभी मुझे फिल्म की याद नाम याद नहीं है उस फिल्म का, पर काफी साल हो गए। तो वहां पर भी ये करियर फिल्म डबिंग सेंटर में डबिंग करते करते वहां पर गोयल सर हुआ करते थे, लेट गोयल सर, अभी गुजर गए, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। उन्होंने भी देखा भाई ये टैलेंटेड लड़का है, तो उन्होंने उस समय दानू दानासुर नाम की एक सीरियल शुरू की थी, कार्टून सीरियल, तो उसमें दानासुर नाम के डायनासोर को डब करने का मौका मिला, डायनासोर की आवाज़, क्योंकि वो भाप गए थे कि ये लड़का कोई भी आवाज़ निकाल सकता है, किसी भी प्राणी की भी आवाज़ निकाल लेगा। तो मैं डायनासोर की आवाज़ वहाँ पर निकालता था। वो करते करते यू टीवी में काम करने का मौका मिला। वहाँ पर हमारे दो दोस्त काम कर रहे थे, पहले से ही डबिंग कर रहे थे, अविनाश नारकर और सुमित राघवन, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, गिरिराज जी के दोस्त थे, उदय सदनीस हमारे दोस्त थे। तो डबिंग करते करते फिर अविनाश नारकर ने और सुमित राघवन ने हम तीनों को, मुझे, उदय सदनीस को और गिरिराज को बोला कि भाई आप लोग भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी आप लोगों को भी मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और यहाँ पर पेमेंट भी अच्छी है, तो कमाने का भी मौका मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमको इंट्रोड्यूस करो। तो अविनाश नारकर ने पहले उदय सदनीस को इंट्रोड्यूस किया, उदय सदनीस ने गिरिराज को, अविनाश नारकर ने और उदय सदनीस ने पहले, उसके बाद गिरिराज को इंट्रोड्यूस किया और बाद में उदय सदनीस ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। तो ऐसे करते करते यू टीवी में भी हमारा प्रवेश हो गया और उसके बाद भगवान की दया से पीछे मुड़कर देखा नहीं। साउथ मूवीज में ब्रह्मानंदम का वॉइस काफी फिल्मों में करने को मिला, जैसे कि यमुडू, सत्यमूर्ति, देन सराइनोडू। ए, क्या देख रहे हो, मैं हूं ब्रह्मानंदम, ब्रह्म अधिक आनंदम, मैं हूं ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आनंदम, अहम आनंदस्मि। सुन, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मुझे मार क्यों रहे हो? आए, मैं तुम्हें च की भाषा समझा रहा हूं और तू मुझे मार की भाषा समझा रहे हो? अब भ की भाषा में बात करूं क्या? आई, नहीं नहीं। बाद में जनता गराज, नानू लोकल में सचिन खेड़ेकर को आवाज देने का मौका मिला, गोपाला गोपाला फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जी को आवाज देने का मौका मिला। तो ऐसे कई सारे एक्टर्स लोगों को आवाज देने का मौका मिला। यू टीवी में इतना काम किया, यू टीवी ने इतना नाम दिया, काफी सारे डिज्नी के ऑडिशंस हुए, काफी सारे कार्टून नेटवर्क के ऑडिशंस हुए। उस समय बहुत चैनल्स भी आने लगे थे, अलग अलग चैनल्स आने लगे थे, तो आई वॉज द मोस्ट ऑडिशनड पास आर्टिस्ट एट दैट टाइम। बोलते थे लोग कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स तुम पास हुए हो। जैसे कि मैंने उस समय जो सीरियल्स की थी, तो अलादीन सीरियल जो थी उसमें मैं जिनी, सुल्तान, यागो, ये तीनों कैरेक्टर पास हो गया था। पोपॉय सीरियल का ऑडिशन दिया था तो पोपॉय की वॉइस में पास हो गया। पावर पफ गर्ल्स नाम की सीरियल थी, उसमें प्रोफेसर यूटोनियम, बॉसमैन, मेयर, ये तीनों कैरेक्टर्स पास हो गया। बाद में मिकी माउस की जितनी भी सीरियल्स आई तो उसमें गूफी कैरेक्टर में पास हो गया। बाद में एड, एड एंड एडी, तो उसमें एडी, करेज द कावर्डली डॉग में करेज द डॉग का कैरेक्टर पास हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मैं कैरेक्टर्स वहाँ पास होता गया और कैरेक्टर्स करता गया। हरक्यूलीज में हेडीज जो विलन है हरक्यूलीज का, उसका कैरेक्टर में पास हो गया। स्टार वॉर्स सीरीज में एंड जो ये है स्टार वॉर रिबेल्स एंड एवेंजर्स और हल्क वगैरह, तो उसमें मर्डॉक, गैलेक्टस, मोडॉक, मोलमैन, तो ये सारे कैरेक्टर्स पास हो गया। योडा और भी हैं एडिशनल, बाल गणेशा अग्गम कैरेक्टर में उसमें पोर्ट्रे करता हूँ, आवाज़ देता हूँ। सुपर भीम, छोटा भीम, जिसमें ज्वाला ड्रैगन का कैरेक्टर में डब करता हूँ। माइटी राजू, जिसमें डॉक्टर सिंह का कैरेक्टर डब करता हूँ। शक्तिमान में डॉक्टर ज्ञानी, टिक और शाकाल। रुद्रा, जिसमें शाकाल मेन विलन, उसका कैरेक्टर डब करता हूँ।
बाद में जीनी फैमिली जो आजकल ऑन एयर है उसमें जीनी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। स्पॉन्जबॉब स्क्वेयर पैंट्स जिसमें प्लैंकटन, लॉरेल एंड हार्डी में हार्डी, बेनी हिल शो में बेनी हिल, एंड ड्रैगन टेल्स में किट्जेल, द एडम्स फैमिली में गोमेज एडम्स एंड अंकल फेस्टर, बॉस बेबी फिल्म में फ्रांसिस ई फ्रांसिस का कैरेक्टर निभाया, पोकाहोंटस में जनरल रेडक्लिफ जो विलन है उसमें उसका कैरेक्टर निभाया, कृष्णा एंड कंसा में त्रिणावर्त, बाद में लिटिल कृष्णा में अघासुरा, सिल्वेस्टर एंड ट्वीटी में सिल्वेस्टर का कैरेक्टर करने का मौका मिला, बैटमैन की सीरीज में जो भी कार्टून सीरीज थी उसमें जोकर का कैरेक्टर पास हो गया। तो ये बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हो जाता था, बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत घुल मिलकर और बहुत खुश होकर कैरेक्टर्स परफॉर्म करता था, क्योंकि परफॉर्मेंस का पहले से ही मुझे परफॉर्मेंस करना पसंद था, उसकी चाह थी, पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। ये करते करते वहाँ पर एलाइजा लुइस का भी काफ़ी मुझे गाइडेंस मिला। ये सब जब मैं यू टीवी में जब मैं डबिंग कर रहा था तो वहाँ पर वीजीपी में काफ़ी डबिंग्स हो रही थी अलग अलग तरह की, तो वहाँ पर एक हमारे लेजेंडरी हैं मैडम लीला जी घोष, लेट लीला जी घोष, तो उनको भी पता चला, उनकी साउंड एंड विजन कंपनी के बैनर तले उन्होंने भी हम लोगों को बुलावा भेजा कि भाई यहाँ भी आ जाओ, यहाँ पर भी काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी ऑडिशंस हुए, तो उनको भी हमारा काम बहुत पसंद आया और फिर लीला जी के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध जुड़ गए और उनके साथ भी काफ़ी काम किया। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में, मैक्सिमम फिल्में, हॉलीवुड की मैक्सिमम फिल्में जितनी सारी हैं, साउथ की फिल्में मैक्सिमम जितनी सारी हैं, वो सब लीला जी के साउंड एंड विजन बैनर के तले उनके ही साथ काम करते करते मैंने की है, करने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो फिल्में भी मैंने काफ़ी सारी की, अलादीन फिल्म की जिसमें मैंने कहा था कि जिनी सुल्तान यागो तीनों कैरेक्टर्स करने को मिले, बाद में स्टार वॉर्स में ओबी वॉन, जार जार बिंग्स, वट्टू एंड योडा, ये भी कैरेक्टर्स मुझे करने को मिले, जंगल बुक फिल्मों में एंड सीरीज़ में भी बलू और का, डिज्नी के जो जंगल बुक थे वो उनको निभाने का मौका मिला, कार्स फिल्म के जितने भी पार्ट्स थे उसमें मेटर नाम का जो कैरेक्टर है, काफ़ी प्यारा कैरेक्टर है, वो निभाने का मौका मिला, बाद में पॉपॉय फिल्म में पॉपॉय का, गूफी मूवी में गूफी का, हैरी पॉटर में डॉबी जो टॉबी कैरेक्टर है तो डॉबी का छोटा एल्फ जो होता है वो, बाद में बैटमैन के जितने भी थे तो उसमें जैक निकल्सन और मार्क हैमिल ने जो बैटमैन निभाए, जो जोकर निभाए थे, तो उन जोकर को डबिंग करने का मौका मिला, बाद में स्मर्फ्स फिल्म में जो विलन है गार्गामेल, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। हॉलीवुड में और भी जिन फिल्मों में मैंने डबिंग की है उनमें से और कुछ नाम लेना चाहूँगा, स्टुअर्ट लिटिल के जितने भी पार्ट्स थे, स्नोबेल कैट का रोल मैंने निभाया, डबिंग मैंने की, बाद में गूस बम्स फिल्म में स्लैपी द डमी के लिए किया, कुंग फू पैंडा के जितने सारे पार्ट्स थे उसमें शिफू जो डस्टिन हॉफमन जी ने निभाया था उसके लिए मैंने आवाज़ दी, आई सेज सारे पार्ट्स में मैंने मैनिफ्रेड नाम का कैरेक्टर जो है हाथी द मैमथ उसके लिए आवाज़ दी, मिशन इम्पॉसिबल में एटली कैरेक्टर के लिए, द लास्ट समुराई में साइमन ग्राहम के लिए, द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस में किंग एम्फिट्रॉन के लिए, बैटमैन फॉरएवर में द रिडलर जो जिम कैरी ने निभाया था उसके लिए, थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजोरी में वुडी हैरल्सन का कैरेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर उन्होंने निभाया है, वो मुलान में मूशू का कैरेक्टर निभाया, बॉन स्टार्स नाम की जो सीरीज काफ़ी फेमस है हिस्ट्री टीवी पर उसमें ओल्ड मैन का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, बाद में डक डायनेस्टी में फिल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉट में क्रिस का कैरेक्टर कर रहा हूँ, हाउ सेक्स चेंज द वर्ल्ड में जो काफ़ी फेमस हुई थी उसमें नरेटर का पार्ट निभाया, 2012 प्लानट ऑफ द एप्स वॉर फॉर द प्लानट ऑफ द एप्स में वुडी हैरल्सन का जो विलन है मेन जनरल का कैरेक्टर वो करने का मौका मिला, बाद में इंसेप्शन फिल्म में मास्क ऑफ द ज़ोरो में एंथनी हॉपकिंस का काम करने का मौका मिला, कई सारे फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, एलियंस वर्सेस मॉन्स्टर्स, बाद में स्पेस जैम, सिल्वेस्टर एंड ट्वीटी मिस्ट्रीज, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द कैस्पियन उसमें ट्रफल हंटर, रोबोकॉप,
तो ऐसे बहुत सारी फिल्मों में, टाइटैनिक में काफी कैरेक्टर्स मैंने निभाए, तो बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां पर हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे, काफी सीनियर आर्टिस्ट थे, बड़े ब्रिज जी, ब्रिजभूषण सहानी, मनोहर महाजन जी, विष्णु शर्मा जी, हरीश भिमानी जी, किशन भूटानी जी, पुष्पा सक्सेना जी, गुल्लू दीदी जी, तो बहुत सारे नाम हैं, मैं कुछ अगर रह गया हो तो माफी चाहता हूँ। पर इन सब सीनियर आर्टिस्टों से भी काफी कुछ उनको ऑब्जर्व करते करते, ऑब्जर्वेशन मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है, तो ऑब्जर्व करते करते उनसे भी कई सारी मैं चीजें सीखा, कई सारे कैरेक्टर्स निभाना, कई सारे मैनरिज्म्स मैंने उनसे सीखा। ये सब करते करते एक साइड में मेरा डबिंग करियर भी बहुत जोरों शोरों से शुरू था। एक्टिंग मैं शौक के लिए करता था, जो कि क्योंकि एक्टिंग में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, अब घर भी चलाना था, तो जो ज़्यादा जहाँ पर मुझे नाम शोहरत और सक्सेस मिल रही थी वो डबिंग फील्ड था, तो डबिंग फील्ड पर मुझे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा। तो एक ज़माना ऐसा आया कि एक्टिंग का नशा तो है, एक्टिंग का पैशन तो है, एक्टिंग करना तो है, एक्टिंग में मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मैं इस फील्ड में एक्टिंग में नाम कमाना चाहता हूँ, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जाना चाहता हूँ, ज़रूरी तो है पर पैसा इतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्लैमर नहीं मिल रहा है, ग्लैमर नहीं मिल रहा है तो फिर पैसा कैसे कमाऊँगा, अभी तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे बाद में हुए तो घर कैसे चलाऊँगा। तो ये सब घर चलाने के लिए, पूरे परिवार को पालने के लिए, यहाँ तक कि पूरे परिवार को, फैमिली को, मुझे खुद को लग्जरी देने के लिए मेरा ये डबिंग फील्ड जो है, डबिंग करियर है, वो बहुत काम आया। इसने मुझे पैसा दिया, डबिंग में से जो मुझे पैसा मिला उस पैसे से मैं अपना पहला घर, दूसरा घर, तीन घर, मैं तीन घर ले पाया। बाद में कार्स हुई, मेरी तीन तीन कारें हुई, बाइक हुई, बच्चों का अच्छा खासा एजुकेशन चल रहा है, मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हैं, एजुकेशन भी उनका काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये सब डबिंग फील्ड में हुआ, इसलिए मैं डबिंग फील्ड कभी भूल नहीं सकता। आज भी मैं वो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके मैं डबिंग का ही काम कर रहा हूँ। हिंदी में भी मैं काफ़ी एक्ट्रेस की आवाज़ निकाल रहा हूँ, उनके लिए काफ़ी कमर्शियल्स में आवाज़ दे रहा हूँ, जैसे कि अमिताभ बच्चन, परेश रावल, सबके फेमस मोदी जी, लालू प्रसाद यादव, बाद में उत्पल दत्त, बाद में अमोल पालेकर, ओम प्रकाश, राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, दिलीप कुमार, जगदीप असरानी, संजीव कुमार, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, ये काफ़ी सारे एक्टरों की मैं आवाज़ निकाल चुका हूँ मराठी हिंदी कमर्शियल्स में। जैसे कि कोक, पेप्सी, आयोडेक्स, कोलगेट, पेप्सोडेंट, बाद में कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन फिल्म, फैमिली प्लानिंग फिल्म, आईपीएल क्रिकेट की फिल्में, बहुत सारी फिल्मों के सीरियल्स के प्रोमोज, कोई भी बिल्डर हो या कोई कुर्सियां हो, फर्नीचर हो, आई ड्रॉप्स हो, दवाइयां हो, खाने के पदार्थ हो, होटल हो, फ्लाइट्स हो, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे करीब करीब फिलिप्स बल्ब्स हो, लाइट्स हो, फैंस हो, हैवल्स, सारे करीब करीब सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं अपनी आवाज़ दे चुका हूँ। आज तक ऊपर वाली की दया से मेरे ख्याल से 15,000 से ऊपर, 15,000 से भी ऊपर कमर्शियल्स में मैं मेरी आवाज़ दे चुका हूँ। रेडियो स्पॉट, टीवी कमर्शियल्स, एवीज, एनिमेटिक्स, नारेमेटिक्स, सब मिलाकर बाद में करीब करीब 45 से ऊपर लैंग्वेजेस में मैं डब कर चुका हूँ। हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, कोंकणी, एसमीज, बंगाली, पंजाबी, कोको, कॉकबोरो, बोडो, कश्मीरी, मेघालय, नागालैंडी, जितनी सारी भारत में बोली जाती हैं उसमें मैं भाषाओं में डब कर चुका हूँ, ऑफकोर्स सुपरवाइजर्स की मदद से। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एवियन फ्लू का, जब एवियन फ्लू का ज़माना चल रहा था, दौर चल रहा था, तो काफ़ी वहाँ पर एड्स आपने देखी होंगी एवियन फ्लू के बारे में, तो कि मुर्गियों को कैसे हाथ ना लगाएं, अगर लगाएं तो हाथ साबुन से धोएं, वो जो बर्ड्स की वजह से ये बुखार फैल रहा है, ये बीमारी फैल रही है। तो उस जमाने में मैंने 10 टीवी सीज और 10 रेडियो स्पॉट्स, दो दो कैरेक्टर, मनमोजी और मुन्नू मुर्गा, तो ये 45 लैंग्वेजेस में मैंने किए थे।
दिल्ली जाकर, आज भी मुझे याद है, यूनिसेफ के लिए। बाद में जब 2014 में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो उस समय मोदी जी की आवाज मैं निकाल सकता हूँ इसका मुझे साक्षात्कार हुआ। प्रैक्टिस करते करते पता चल गया और यहाँ तक वो सक्सेसफुल हुई कि मोदी जी के कई सारे भाषण इंग्लिश में और मराठी में डब करने का मौका मुझे दिया गया। उन्हीं की आवाज मतलब उन्हीं के लिप पर, उनके चेहरे पर, उन्हीं के लिप पर सिंक करके मैंने काफी सारे भाषण उनके इंग्लिश में और मराठी में डब किए। आज तक मुझे जो जो फेमस कैरेक्टर्स डब करने का मौका मिला है उसकी कुछ झलकियां पेश करना चाहता हूँ। पालक में खाता, ताकत में पाता, मैं हूँ पॉपॉय द सेलर मैन। याली, मैं हूँ जीनी, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, चलो दोनों मिलकर धूम मचाएं, धूम मचाएं, धूम मचाएं, आओ मेरे साथ खेलो। अरे तुम क्या कर रहे हो यागो? अरे यागो किसको बोल रहे हो? जीनी, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, मुझसे पंगा मत लो। इस चीनी की बात लगा। उसके बाद जोकर, बैटमैन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ये गेम खेलकर छूट जाओगे? नहीं, मेरे साथ आज तक कोई भी ये गेम खेलकर जिंदा नहीं बच सका। मैं हूं जोकर। मोगली, आओ दोनों मिलकर खेलें, मस्ती करें, मैं बनूं और तुम मोगली। आओ आओ बगीरा, तुम क्या देख रहे हो? का तुम भी हमारे साथ आ जाओ। आदम बू आ रही है, इंसान का बच्चा, इंसान के बच्चे का बांस मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। ये कुछ कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज भी, योडा, देखो एक बार ध्यान से सुन लो, अगर अच्छा योद्धा बनना है, योद्धा जेडाई बनना है, तो बनने के लिए तुम्हें करनी होगी बहुत सारी प्रैक्टिस, और फिर तुम बन पाओगे एक कुशल योद्धा। योद्धा की आवाज वैसे ही कुछ एक्टर लोगों की आवाज। अरे साला, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किरण किरण, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। किरण किरण, आ जाओ मेरे पास, आओ किरण, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मुझे मना मत करो किरण। जानी, हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हारा नहीं, जो कभी मौत से डरा नहीं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हा, हा, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे चकमा दे रहा था सूरमा भोपाली। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अरे हितकिया, अरे क्या कर रहे हो मिया? हमने ऐसा क्या गुनाह किया? हितकी, अरे खंबा उगाड़ के घूसा लगा के पलटा दो, पलटा दो। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, हे भगवान मुझे बचा लो, ये मैं कहाँ आ गया, मैं किस लोगों के बीच में फंस गया, मुझे बचा लो। ईश, बेटा राम प्रसाद, चूप चूप, लक्ष्मण प्रसाद कहाँ है? मुझे मेरे सामने लेकर आओ, जाओ जाओ। आओ ललिता, आओ, मैं हवालदार को मैं लूंगा, मुझे दो दो। काफी सारे एक्टरों की आवाजें हैं वैसे देखा जाए तो। पॉलिटिशियंस में से
इस देश में रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है। भाई बहनों, आज इस देश में हरेक को काला धन इस देश के चरणों में समर्पित करना अनिवार्य है। एक्टिंग और डबिंग करते करते मैंने अपनी एक संस्था का भी निर्माण किया, सैनहिल क्रिएशंस उस संस्था का नाम है, और जिसने काफी लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करके साउंड एंड विजन के साथ कोलैबोरेशन किया, इलाइजा लुईस के मेन फ्रेम के साथ कोलैबोरेशन किया, उनके साथ कोलैबोरेशन करके डिज्नी के कई सारे एनिमेशन सीरीज, बाद में वायकॉम 18 के, निकलोडियन, सोनिक के कई एनिमेशन सीरीज फिल्में, बाद में हिस्ट्री टीवी के कई सीरीज, मयूखी इन सिंह के साथ कोलैबोरेट करके, बाद में कई फिल्में पैरामाउंट की, वार्नर ब्रदर्स की, और ऐसे कई सारे क्लाइंट्स की फिल्में, एनिमेशन सीरीज हम लोगों ने डब की। ये सब करते करते मुझे और भी कई सारे शौक लग गए। मैं खुद राइटिंग भी करने लगा, ट्रांसलेट करने लगा, एपिसोड्स ट्रांसलेट करने लगा, गाने ट्रांसलेट करने लगा, ट्रांसक्रिएट करने लगा, टीवीसीज एंड रेडियो स्पॉट्स लिखने लगा, वो ट्रांसक्रिएट करने लगा, ट्रांसलेट करने लगा, गाने गाने लगा, साथ ही साथ कई जिंगल्स मैंने गाए, कई फिल्मों के लिए गाने मैंने गाए, जैसे कि गूफी की जो भी सीरीज होती है मिकी माउस की, तो गूफी के गाने मैं खुद ही गाता हूँ। कैट इन द हैट नाम की सीरीज मैंने की थी, जिसमें कैट जो कैरेक्टर था वो करीब करीब उसने 26 एपिसोड में 52 सेगमेंट्स में 80 गाने गाए थे, और वो सारे गाने जैज, पॉप, ओपेरा, रैप, ऐसे अलग अलग तरीके के जॉनर के गाने थे, तो वो सब मैंने गाने गाए। कई गाने उसमें से मैंने खुद ट्रांसलेट किए, बीट में बिठाए, कई गानों को मैं सुपरवाइज भी करता हूँ, जैसे कि सत्यमेव जयते जो सीरीज आमिर खान जी की आई थी, तो मराठी में उनके कई गाने मुझे ट्रांसलेट करने का, ट्रांसक्रिएट करने का मौका मिला। उन गानों में से कुछ गाने खुद शंकर महादेवन, स्वानंद किरकिरे इन लोगों ने गाए थे, तो उन लोगों को शंकर महादेवन जी का जी को वो मराठी गाना सुपरवाइज करने का मौका मुझे मिला। मीना की दुनिया जैसे एक प्रोग्राम यूनिसेफ का, वो मुझे साउंड एंड विजन की तरफ से करने का मौका मिला, उसके कई गाने मैंने खुद ट्रांसलेट किए, खुद लिखे, उसमें से कुछ गाने खुद मैंने गाए, तो वो भी साथ साथ एक्टिंग डबिंग के साथ साथ ये भी शौक और ये भी कला के कुछ पहलू आप कह सकते हैं। सौभाग्य से मुझे दो ऐसे भी मौके नसीब ने दिए जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला, जिसका हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। एक था, एक हॉलीवुड फिल्म थी स्लमडॉग मिलेनियर, जिसका डबिंग मराठी में करने का मौका मिला, लेट लीला जी घोष उन्होंने मुझे मौका दिया, स्टार टीवी मराठी के लिए ये फिल्म डब करनी थी स्लमडॉग मिलेनियर, डबिंग डायरेक्शन भी मैंने किया था, और जिसमें अनिल कपूर और इरफान खान दोनों को मराठी में मैंने ही आवाज़ दी थी, आवाज़ बदल कर ऑफकोर्स, तो ये एक मौका मुझे मिला, इसलिए मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और दूसरा मौका मुझे मिला स्प्लिट वाइड ओपन, ये हॉलीवुड की फिल्म में हिस्सा लेने का, जिसमें मैंने एक्टिंग भी की थी, देव बेनेगल ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, हॉलीवुड की फिल्म, और उसमें मैंने कास्टिंग भी किया, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर भी मैंने काम किया था। तीसरा एक मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था अंबेडकर फिल्म का, जो डॉक्टर जब्बार पटेल ने डायरेक्ट की थी, मामुट्टी ने अंबेडकर का रोल किया था, और उसमें मराठी और इंग्लिश डबिंग का, हिंदी और इंग्लिश डबिंग का कॉन्ट्रैक्ट उदय सबनिस और मैंने लिया था, तो उस डबिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने जब लिया था, तो वो सारा डबिंग करते समय काफ़ी एक्टर्स लोगों के साथ, मामुट्टी जी के साथ, जब्बार पटेल जी के साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे मोहन गोखले वगैरह, मोहन आगाशी जैसे भी बड़े बड़े एक्टर्स उस फिल्म में थे, उन्होंने काम किया था, तो उनके साथ डबिंग करने का मौका मिला, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरी हॉबीज हैं, सबसे पहली तो फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है, ज़्यादातर हॉलीवुड फिल्म, उनके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और उनकी टेकिंग, उनके जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, एक्टिंग हर एक, उनके लोकेशंस मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। हिंदी फिल्में भी,
काफी एंटरटेनिंग लगती है मुझे। पता है ये झूठा फील्ड है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, पर फिर भी ये ऐसा है ना कि नाटक इस नाम का अर्थ ही ये है कि नट का माध्यम है। नट मतलब अभिनेता, नाटक नट का माध्यम, नाटक का अर्थ झूठ, झूठी है, झूठ मूठ, सच नहीं होता ये। अभिनेता, अभिनेता का मतलब क्या है? अभिनय, नी नयति नेणे, संस्कृत वर्ड है, नी नयति मतलब उस तरफ ले जाना, नी नयति नेणे ले जाना, तो आपको किसी भी चीज की तरफ ले जाना है, 100% वो करनी नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई खून करना है तो खून करने की तरफ ले जाना, मतलब करना नहीं है असल में, वो खून करने का आपको दिखाना है, वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग करना है। प्यार करना सचमुच नहीं करना है, तो किसी को प्यार करना है आपको, जो भी सीन है आपके करने हैं, गुस्सा करना, डांटना, मारामारी करना, वो करना है, उसकी तरफ ले जाना आप, मतलब वो आभास निर्माण करना है, सचमुच नहीं करना है। तो ये फील्ड सब माया जाल है, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे भी वो एज अ दर्शक आनंद मिलता है जब मैं देखने जाता हूँ। बाद में छुट्टियों में जाना पसंद है, घूमना मुझे बहुत पसंद है। ऑफकोर्स समय उतना नहीं मिलता, कभी कभार ही साल में एक आध बार ही बड़ी छुट्टी, और साल में 3-4 बार ही छोटी छोटी छुट्टियाँ मिलती हैं, पर मुझे घूमना बहुत पसंद है, और लंबी ड्राइव पर जाना, कार चलाना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मेरे फैमिली वाले तो कहते हैं कि मैं फैमिली मैन हूँ, तो फैमिली का साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बीवी बच्चे साथ में हों, मम्मी डैडी साथ में हों, सबको जो उनकी इच्छा है उनके मुताबिक मैं सब कुछ दे सकूं, सारे सुख दे सकूं, जो जो चाहिए वो दे सकूं, वो खुश तो मैं खुश। तीसरी मेरी हॉबी है रीडिंग। रीडिंग में से भी हॉरर एंड सस्पेंस एंड थ्रिलर बुक्स मुझे बहुत, टॉपिक्स मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं रीड करता हूँ। छुट्टियों में स्विमिंग करना, कहीं जाता हूँ स्विमिंग, हमेशा तो वक्त नहीं मिलता, तो स्विमिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है। मराठी में कहावत है रसिक माय बाप, जिसको बोलते हैं रसिक, मतलब वो तो सब लोग जानते ही होगा, जो दिल का रसिक है, जिसे कला से बहुत प्यार है, जिसे कोई भी गुण है अगर किसी के अंदर, तो वो बहुत पसंद आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और वो कला को दाद देते हैं एज ए रसिक बनकर, एज ए दर्शक या श्रोता बनकर। तो रसिक जो है वो दर्शक होता है, वो श्रोता होता है, वो आम पब्लिक होती है, ये आप सब लोग हैं, आप दुनिया भर के सारे फैंस हैं, तो आप हमारे रसिक माय बाप हैं। आप ही की वजह से हम सब लोग, सारे कलाकार, सिर्फ हम लोग मतलब सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट नहीं, या सिर्फ हम मेरे जैसे छोटे मोटे एक्टर्स नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स भी, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स भी, सारे लोग आप फैंस की वजह से ही हैं। क्योंकि ये सारी कला, ये सारा जो परफॉर्मेंस है, ये सारी पेशकश जो है, किसके लिए है? आपके लिए है, आप लोगों के लिए है, और हम इसे आपके सामने पेश करते हैं। कोई अगर देखेगा ही नहीं तो हमें तारीफ कहाँ से मिलेगी? हम कलाकार जो हैं, हमें तारीफ की बहुत ज़रूरत है, हम तारीफ के भूखे हैं। फैंस के सामने हम लोग जब जो भी चीज़ पेश करते हैं तो उसकी तारीफ फैंस से हमें मिलती है, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, कि हमें और जोश आता है कि अरे भाई क्या हुआ, क्या बात है, हमें तारीफ मिली, हमारी पीठ पे थपथपाहट मिली, तो हमने अच्छा काम किया, तो हमें और भी अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा मनोरंजन करना चाहिए, क्योंकि हमारा फील्ड ही है मनोरंजन करने का। हर जगह सोशल मीडिया पर, टीवी, रेडियो, जितने भी डिजिटल मीडियाज हैं वहाँ पर, जो भी मीडिया का अपना स्रोत है वहाँ पर, एज हमारे फैंस बनकर आपने हमें जो प्यार दिया है, जो दुलार दिया है, हमारा काम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, सराहते आए हैं, वैसे ही करते रहिए, हमारे लिए भी, नए नए कलाकारों के लिए भी, सबके लिए मनोरंजन हम करते रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई आप करते रहिए, और ताकि हम भी मनोरंजन करते रहें और आप मनोरंजित होते रहें। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुशी दीजिए। थैंक यू।